नमस्कार दोस्तों, आज हम सीखेंगे कि इस हम कंप्यूटर के मदरबोर्ड को या लैपटॉप के मदरबोर्ड को कैसे साफ़ करते हैं और कैसे उसको बिल्कुल ठीक कर सकते हैं। ज़्यादातर आपने देखा है कि आप नेरोप्लेस जाते हैं या किसी कंप्यूटर मार्केट में जाते हैं, तो वहाँ पर क्या करते हैं, वो इसको साफ़ करते हैं और आपका कंप्यूटर या मदरबोर्ड चल जाता है। तो इसको आप घर में भी कर सकते हैं, तो हम कैसे करें इसके लिए, सबसे पहले आपके लिए ज़रूरी है कि आपके पास आइसो प्रोफाइल अल्कोहल जो होना चाहिए वो आप मार्केट से कहीं से भी परचेज़ कर सकते हैं। थिनर में नहीं, ये थिनर नहीं होता, ये अलग होता है। तो इससे क्या होता है कि इससे धोने से मदरबोर्ड आपका ख़राब नहीं होता है। तो आपने क्या करना है, इसको आपने जहाँ जहाँ फेंकना है, जहाँ पर आपको मॉइस्चर ज़्यादा लग रहा है, जैसे मुझे यहाँ लग रहा है, तो मैंने इसको यहाँ डाल दिया, फिर यहाँ पर डाल दिया, छोटी छोटी चिप जहाँ पर ज़्यादा है तो मैंने यहाँ डाल दिया, ये ज़्यादा। इस चीज़ का ध्यान रखने की आपने स्लॉट के अंदर नहीं डालना, ये जो स्लॉट है इनके अंदर बिल्कुल नहीं डालना है, क्योंकि नहीं तो ये सूखेंगे नहीं। इसको कैसे धोना है मैं वो भी बताता हूँ आपको। फिर क्या करना है, आपके पास एक ब्रश होना ज़रूरी है, तो ऐसा ब्रश आप रख ले। उससे फिर क्या करना है, जिससे आप पेस्ट टूथपेस्ट करते हैं, फिर आपने क्या करना है, इस मदरबोर्ड को धोना है, ऐसे इसको ऐसे लेना है और इसको धोना है, जिससे जैसे ये, इससे क्या होता है कि ये खराब नहीं होता है। तो इन स्लॉट को भी आपने साफ करना है। आपने देखा है स्लॉट के अंदर डस्ट होती है, तो डस्ट से भी कई बार क्या होता है, डिस्प्ले नहीं आता है, रैम हमारी काम नहीं करती। फिर आपने और ध्यान रखना है कि आपने प्रोसेसर की यहाँ पर नहीं फेरना है, यहाँ नहीं तो खराब हो, आपकी पिन्ने टेढ़ी हो जाएंगी, क्योंकि पिन टेढ़ी होगी तो आप उसको ठीक नहीं कर सकते। फिर आपने स्लॉट साफ़ करना है, ये PCI स्लॉट होते हैं, इनको साफ करते हैं। आपको यहाँ डस्ट लग रही है, देख रहे हैं इसके अंदर, तो आप यहाँ पर ये डाल सकते हैं, तो दोस्तों इस चीज़ का ध्यान रखना है कि आपने जो है लिक्विड इसके अंदर नहीं डालना, इसको आपने ब्रश से ही साफ करना है, जैसे आपका मदरबोर्ड खराब ना। और आपने फिर क्या करना है, साफ करने के बाद सारे चिप्पे आपने साफ कर लेनी है। अब थोड़ी देर में देखोगे कि जो आपका मदरबोर्ड है वो बिल्कुल चमकना, ऐसे लगता है बिल्कुल नया होगा। दोस्तों आज आप सीख रहे हैं कि हम मदरबोर्ड को कैसे साफ करते हैं और उसको कौन कौन सी चीज़ को कैसे साफ करना है। बैक साइड भी कर सकते हैं अगर आपके यहाँ मॉइस्चर है, बस जैसे हमने यहाँ फेंक दिया तो आपने देखा कि लिक्विड है। क्या होता है कई बार हमारा मॉइस्चर आ जाता है, जिसके कारण हमारा जो मदरबोर्ड है वो काम नहीं करता है। फिर आपने क्या करना है, जैसे अब हमने मदरबोर्ड साफ कर लिया है, तो दोस्तों आज आप लोगों ने सीखा कि हम मदरबोर्ड को कैसे साफ़ करते हैं। आपने इसके बाद साफ़ करने के बाद इसमें पंखा चलाना है, पंखा चलाने के बाद आपने क्या करना है, इसको सुखाना है या इसको धूप में रखना है, और उसके बाद आपने इसको चेक करना है कि चल रहा है नहीं चल रहा है। अगर मदरबोर्ड फिर भी नहीं चल रहा है तो हो सकता है आपका मदरबोर्ड ख़राब हो गया, डेड हो गया। अगर चल जाता है तो इसका अर्थ है कि आपके बोर्ड के अंदर डस्ट आ गई थी, जिसके कारण नहीं चल रहा था। तो दोस्तों अगर इस वीडियो में आपको लगता है कि आपने कुछ सीखा है और आपके काम की चीज़ें थी जो मैंने बताई हैं, तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। जय हिंद, जय भारत।